बेटे, मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूँ, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि बेटे, आपको किसी भी लेसन को पढ़ना हो या किसी भी यूनिट को पढ़ना हो तो बेटे आपको प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। हमारे चैनल का जो होम पेज है, उस होम पेज पे ही आपको कक्षा 12 क्लास 12 के सारे यूनिट सारे लेसन शुरू से मिल जाएंगे। आप होम पेज पे जाने की कोशिश तो करो बेटे। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई बच्चा प्लेलिस्ट के अनुसार यानी कि चैप्टर को शुरू से लास्ट तक नहीं पढ़ता है, ढंग से नहीं पढ़ता है और अपने नोट्स नहीं बनाता है, और पढ़ाई तो उसने अच्छे तरीके से करी नहीं है, और वो सीधा आ जाता है मॉडल पेपर पर या किताब के क्वेश्चंस पर, तो उसके समझ में नहीं आते हैं क्वेश्चन। और फिर वो बच्चा क्या करता है, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटे कि मेरे पास मैसेज करते हैं या कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स के लिए कि सर प्लीज ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके और मेरे पास फोटो भेज दीजिए। तो मुझे बेटे उस समय बहुत अजीब लगता है। इसलिए अजीब लगता है क्योंकि मैं देखता हूं कि जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछते हो, जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछते हो, वे सारे क्वेश्चन बेटे मैं करा चुका हूँ। मैं उन क्वेश्चंस को करा चुका होता हूँ और फिर भी आप उन्हीं क्वेश्चंस को प्रॉब्लम में मेरे से पूछते हो, तो मुझे बेटे अजीब तो लगेगा ही। और फिर क्या होता है कि आपके फोन भी आते हैं, आपके मैसेज भी आते हैं, और मेरे पास टाइम बहुत कम बचता है काम करने के लिए, क्योंकि बेटे आपको तो लगता है कि केवल मैं यूट्यूब पर वीडियो ही बनाता हूँ, पर बेटे इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारा काम है। तो बेटे जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें सब कुछ पता है कि मुझे अपनी ड्यूटी भी करनी होती है, और बेटे मुझे जो है ड्यूटी के अलावा अपना परिवार भी देखना पड़ता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ मुझे खेलना भी पड़ता है, और घर के भी बहुत सारे काम है वो भी करने पड़ते हैं, और बेटे मुझे पढ़ाना भी पड़ता है, आपको भी पढ़ाना पड़ता है। तो इन सारे कामों को देखते हुए मेरा शेड्यूल बेटे बहुत ज्यादा बिजी है। मेरा शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी है कि मैं सुबह को 4:15 बजे उठता हूँ और रात को 12:30 बजे से पहले कभी भी नहीं सोता हूँ। और फिर आप मेरे पास जो है इस तरह के क्वेश्चन मेरे से पूछते हो जो मैं करा चुका होता हूँ, और बेटे फोन कॉल्स पे भी आप इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हो। अब जो भी बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है या फोन कॉल कर रहा है उसे तो बेटे ऐसा ही लगता है कि केवल मैं ही सर से बात कर रहा हूँ, पर बेटे केवल आप ही मेरे से बात नहीं करते हो, मेरे पास दिन में बहुत सारे फोन आते हैं और बहुत सारे डाउट्स आते हैं, और वो डाउट्स ऐसे होते हैं या वो फोन कॉल पे जो क्वेश्चन होते हैं वे ऐसे होते हैं जो मैं करा चुका हूँ। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे तो ये स्पष्ट होता है कि आप बेटे पढ़ाई ढंग से नहीं करते हो। तो मैं बेटे प्लीज बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काम ज्यादा मत करो, थोड़ा करो, पर बेटे जरा ढंग से करो, ईमानदारी से करो। यदि आप पढ़ाई को बेटे ईमानदारी से करोगे तो आपको डाउट नहीं आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और मेरा भी जो समय बर्बाद होता है वो बच जाएगा। ठीक है बेटे, मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, पर बेटे जब आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जो मैं पहले ही करा चुका हूँ तो बेटे मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी ना, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं बच्चों को सही रास्ते पे नहीं चला पा रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।